फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं जहां हमें कहना होता है फिलहाल या फिलहाल के लिए। जैसे फिलहाल के लिए तुम जा सकते हो, या फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, या फिलहाल मैं फुर्सत में नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहना चाहें फिलहाल के लिए या फिलहाल, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप फ्यूज वर्ड फॉर द टाइम बीइंग आपका इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो फिलहाल के लिए तुम जा सकते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग अब यू कैन गो। फिलहाल मैं फुर्सत में नहीं हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग अब आई एम नॉट फ्री। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो फिलहाल मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग अब आई कैन डू नथिंग फॉर यू। तो फ्रेंड्स, ये फिलहाल वाली बातें या फिलहाल के लिए अगर आपको बोलना हो तो आप फॉर द टाइम बीइंग अब का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये बात और अच्छा से क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो फिलहाल मैं टिफिन तैयार कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग अब आई एम प्रिपेयरिंग द टिफिन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो फिलहाल मैं चाय बना रहा हूँ, तो आप कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग अब आई एम प्रिपेयरिंग टी। अगर आपको कहना हो फिलहाल मैं होमवर्क कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग अब आई एम डूइंग माय होमवर्क। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो फिलहाल वो सो रहा है, तो आप कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग अब ही इज स्लीपिंग। अगर आपको कहना हो फिलहाल मेरे नजरों से दफा हो जाओ, तो आप कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग अब गेट लॉस्ट। अगर आपको कहना हो कि फिलहाल के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो आप कहेंगे सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द टाइम बीइंग अब। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको समझ में आया कि जब आपको कहना हो फिलहाल के लिए या फिलहाल, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप बड़े आराम से बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।